हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 मार्च 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रैंकिंग है जिसमें इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया है लास्ट ईयर में, मतलब हमें बताना है कि लास्ट टाइम से इस बार इंडिया में कौन सी इन चारों रैंकिंग में से इम्प्रूवमेंट है वो किया है। पहला आपके सामने दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा दिया गया हैप्पीनेस, चौथा दिया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो देखो, इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अपनी जो रैंक है उसको काफ़ी अच्छा इस बार मतलब अच्छा है वो किया है, इम्प्रूव है वो किया था। इसके साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी इंडिया ने डेवलप है या इम्प्रूव है वो किया है। बाकी हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग लास्ट साल से पीछे रही है और हंगर इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग पीछे रही है, मतलब इंडिया ने इम्प्रूवमेंट की वजह पिछड़ा हुआ रहा इनमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश है वो की जाती है। तो देखो, जो ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई थी अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट में भी ये बताया गया था कि इंडिया ने अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा किया है, और अगर बात की वर्ल्ड की टॉप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करने वाली कंट्री हैं उनमें इंडिया है, चाइना है और USA से कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब हमें पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन की तरफ इनको अरेंज है वो करना है। पहला है आल्प्स माउंटेन, दूसरा है माउंटेन मेकालू, तीसरा है यहाँ पे अल्पेल्सियन माउंटेन। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा माउंटेन है वो है कहाँ पे। तो एक बार इसका हम थोड़ा मैप देख लेते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट वो कर सकते हो। देखो, हम एक बार सारे जो मेन आइलैंड जो एक तरह से माउंटेन रेंज है उनको सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे रॉकी माउंटेन आपको पता है, ये यहाँ पे अगर बात करें इंडीज माउंटेन सबसे इंपॉर्टेंट है जिनकी हमें पता है। फिर हम बात करें यहाँ पे सीरिया मेडारा की, तो वो उनकी लोकेशन यहाँ पे ये है जो कि मेक्सिको के कंट्री में है। अब बात करें हम अल्पेसियन माउंटेन की जो कि USA की वॉशिंगटन वाली, हम बात करें USA का जो ईस्टर्न कोस्ट है उस वाले एरिया में है, और रॉकीज माउंटेन क्या है USA के वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। इसके साथ ही बात करें हम यूरोप में, तो यूरोप में यहाँ ऊपर ही ऊपर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। इसके बाद में पेरिस माउंटेन है जो यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस को डिवाइड है वो करते हैं। फिर यहाँ पे आल्प्स माउंटेन है। चलो आप ये बताइए कि आल्प्स माउंटेन किस किस को डिवाइड करते हैं, मतलब किस किस को अलग है वो करते हैं। फिर यहाँ पे बात करें काकेसस माउंटेन है, और यहाँ पे फिर जाता है यूराल माउंटेन जो कि एशिया को यूरोप से अलग है वो करता है। इसी के साथ ही यहाँ पे टोरस माउंटेन आता है जो कि मतलब एशिया वाले हिस्से में खैर आ जाता है टोरस माउंटेन, या हम बात करें वेस्ट एशिया वाले हिस्से में है। अब बात करें इंडिया एशिया की ओर, तो एशिया में एक तो देखो यहाँ पे टेनसहा माउंटेन है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ही एक है अटाई माउंटेन है जो कि यहाँ पे मंगोलिया और चाइना वाले बेल्ट में है। इसके साथ ही काराकोरम हुई, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, इनके बारे में हमें पता ही है। यहाँ पे जगरोस माउंटेन है, ये कहाँ पे है, ये ईरान में है जगरोस माउंटेन। टोरस माउंटेन है, टोरस माउंटेन से एक रिवर निकलती है जो कि ईरान की कैपिटल से इराक की कैपिटल बगदाद है वहाँ से होते हुए निकलती है, उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन आ जाता है, बात करें हम अफगानिस्तान वाले एरिया में। फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया। इसके साथ ही बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में यहाँ पे डेक्कन बक्स माउंटेन रेंज होगी नीचे साउथ अफ्रीका में। फिर यहाँ पे आपको पता है किलिमंजारो माउंटेन है जो कि नाम कौन सी कंट्री में है, तो आप ये बताना कि जो किलिमंजारो माउंटेन है वो कौन सी कंट्री में है। फिर यहाँ पे बात करें अफ्रीका के नॉर्थ में, तो यहाँ पे आता है एटलस माउंटेन। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है, और फिर क्या आता है यहाँ पे मैकडोनल्ड रेंज आती है। तो ये थी जो मेन आइलैंड माउंटेन रेंज है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब आप आराम से अरेंज कर सकते हो कि अल्पेसियन माउंटेन है वो वेस्ट में हो जाएंगे, आल्प्स माउंटेन है वो फिर थोड़ा ईस्ट में आ जाएंगे, और फिर बात करें हम यहाँ पे और जो माउंटेन हमें यहाँ पे पूछा गया था, और हमें पूछा गया था कौन सा पूछा गया था यहाँ पे माउंट मेकालू है वो एक्चुअली हिमालय की रेंज में ही है, तो वो हो जाएगा लास्ट में। तो वेस्ट टू ईस्ट हो जाएंगे अल्पेसियन, आल्प्स और फिर माउंट मेकालू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO है वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे देश में नेशनल वाइड सर्वे हैं वो कंडक्ट करता है वेरियस लेवल के सोशल इकोनॉमिक नज़रिए से, मतलब कि हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट के नज़रिए काफ़ी सारे सर्वे हैं वो किए जाते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई NSSO है ना वो किसके अंदर आता है, सीधी सी बात घुमा फिरा के इसमें ये पूछी गई है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर, तो ये ध्यान में रखने लायक चीज़ है।
अब देखते हैं आज की न्यूज़। आज की जो पहली न्यूज है वो आई है स्वाइन फ्लू को लेके हैं। देखो इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा है। बेसिकली कंटेक्स्ट तो ये है कि पिछले साल इंडिया में जितने केस थे ना 2018 में, उससे ज़्यादा केस तो इस बार पूरे अकेले भी जनवरी फरवरी के महीने में ही इंडिया में देखे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मौतें हैं वो स्वाइन फ्लू की वजह से इंडिया में हुई हैं। तो एक तो फैक्ट ये ध्यान रखना कि जो स्वाइन फ्लू है वो एक फ्लुएंजा टाइप का एक वायरस है। वायरस का नाम क्या है? H1N1। तो ये ध्यान रखना है। स्वाइन फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेनली सुअर में भी फैलता है, सुअर की वजह से भी है स्प्रेड है वो होता है, तो इसलिए इसको स्वाइन फ्लू का नाम है वो दिया गया। पिग से मेनली फैलता है। और ये ध्यान रखना है, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 2009 में, और उसमें 2009 में इसको WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने महामारी भी डिक्लेयर है वो कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसने बहुत ही तबाही है वो मचाई थी। तो ये आप ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक फैक्ट ये है कि जो स्वाइन फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा जो वायरस की सीरीज होती है उसमें ए टाइप का वायरस है। तो ये दो चार फैक्ट हो गए हैं। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि स्वाइन फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की ए टाइप वाला वायरस है। सेकंड ये है कि है पिग्स से स्प्रेड है वो होता है, या पिग्स के भी फैलता है, या पिग अंदर भी जानवरों में भी है फैलता है मेनली। 2009 में इसे डिटेक्ट किया गया था और 2009 में इसने महामारी के तौर पर ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचंड, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि काफ़ी धमाचान मचाया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है स्विफ्ट को लेके। देखो आपने काफ़ी बार सुना होगा स्विफ्ट कोड वगैरह को लेके, जो कि मेनली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। जब नीरव मोदी का केस हुआ था फ्रॉड को लेके, PNB घोटाले वगैरह का, तो उस दौरान भी स्विफ्ट की काफ़ी बातें सामने आई थी। स्विफ्ट है ना वो एक तरीके की मैसेजिंग नेटवर्क है, जो कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए ना, जैसे कि बैंक हो गई या फिर और भी बैंकिंग सेक्टर हो गए, नॉन बैंकिंग सेक्टर हैं, वो मेनली एक दूसरे से सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि उनकी बात है उन पर जो भी जो कोडवर्ड्स हैं वो कोई आपस में कोई दूसरा पर्सन ना देख सके, कोई ट्रैक ना कर सके, हैक ना कर सकें, इसके लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया। ध्यान रखना है कि मैसेजिंग नेटवर्क है, पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाते इसकी हेल्प से, यह एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो एक बैंक दूसरे बैंक को इसकी हेल्प से डायरेक्शन वगैरह भेजता है कि हाँ भाई ठीक है, जैसे कि इंडिया है वो इंडिया का कोई बैंक है, वो US के किसी बैंक को कोई डायरेक्शन देनी है या फिर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करना है, तो उससे संबंधित डिटेल है वो इस मैसेजिंग नेटवर्क के थ्रू भेजी है वो जाती है। तो इसमें जो सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ना वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, एक यूनिक कोड होता है और उसकी हेल्प से फिर वो पेमेंट को आपस में मतलब सेटलमेंट है वो किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली कोई पैसे ट्रांसफर नहीं होते इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से केवल मैसेज हैं, एक तरीके से जो सिक्योर कम्युनिकेशन है वो किया जाता है बैंक टू बैंक के बीच में। ये एक फाइनेंशियल मैसेज कैरियर है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है माउंट मैकालू को लेके। कंटेक्स्ट देखो ये है कि जो इंडिया की पहली आर्मी माउंटेनियन जो थी, यानी हम बात करें पर्वतारोही जो ग्रुप था, उसने अभी माउंट मैकालू को फतह है वो किया है। माउंट मैकालू है वो नेपाल में है, ये ध्यान में रखना है। और जो देखो एक बार आप लोकेशन देख सकते हो, ये है नेपाल में और ये है माउंट मैकालू, यहाँ पे ये इसकी लोकेशन हो गई है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट, ये है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट से इसकी जो दूरी है वो लगभग 19 किलोमीटर है, और ये ध्यान रखना है नेपाल का बात करें 5th हाईएस्ट पीक है, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड की भी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है, नेपाल की भी बोल सकते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड की है, वो 5th हाईएस्ट पीक है अर्थ के ऊपर, जिसकी हाइट है 8463 मीटर। सबसे बड़ा कौन सा आपको बताइए? माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद में तो और जैसे M2C जो K2 माउंटेन रेंज है वो है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे मैकालू माउंटेन हुआ क्या है। देखो इसका जो टेरिन है ना माउंट मैकालू का, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसको बहुत मतलब बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत टफ या बहुत दिक्कत होती है इसको पार करने में या इसको फतह करने में। तो अभी इंडिया की जो इंडियन आर्मी की जो माउंट पर्वतारोही रेंज थी, उन्होंने इसको फतह वो किया है। बेसिकली हम बात करें तो ऑब्वियसली ये इंडिया सॉरी जो नेपाल और चाइना वाले बॉर्डर वाले एरिया में है, बट मेनली जो ये चोटी है वो आती है किसमें? नेपाल के अंतर्गत। तो ये कुछ फैक्ट इसके ध्यान रखने हैं। अब देखो UPSC में भी यहाँ पे आपको नॉर्थ टू साउथ भी रेंज करवा सकती है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, इसके बाद में आपको और भी माउंटेन रेंज वगैरह के बारे में पूछ सकती है, माउंट मैकालू के अलावा भी, जैसे कि एंडीज माउंटेन की भी, कैसे भी वो सिक्वेंस नॉर्थ टू साउथ हो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करवा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, और स्पेशली जो न्यूज़ में रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नॉट वेरेबल। क्या है नॉट वेरेबल? ये हम देखते हैं वेरेबल है, सॉरी। देखो ये एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीतिक कम्युनिकेशन। देखो जब आपको बताया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी इश्यूज होते हैं, मतलब बात वगैरह बंद हो जाती है, काफ़ी बड़ा इश्यूज होते हैं, तो उस कंडीशन में डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशन वे है या फिर डिप्लोमेटिक रास्ता है, उसकी हेल्प से बातचीत का तरीका है वो खोजा जाता है। तो उसी का एक रास्ता है यहाँ पे नॉट वेरबल है। अब है क्या इसमें, वो हम यहाँ पे देखते हैं, वर्बल है या वेरबल है। देखो इसमें होता क्या है,
कि जो गवर्नमेंट का जैसे कोई स्टाम्प या हम बात करें लेटर हेड होता है ना, उसके ऊपर बात लिख दी जाती है कि हाँ भाई हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और उसके नीचे केवल स्टाम्प लगा दी जाती है, सील लगा दी जाती है, बट साइन नहीं किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब आपको जो भी बात, जैसे मान लो कि इंडिया को पाकिस्तान से कोई भी बात करनी है, तो जो डिप्लोमेटिक जो पर्सन होते हैं जो कि बात करेंगे, वो लेटर पे एक बात है वो नोट कर देंगे, और उस पर एक सील है मतलब स्टाम्प है वो लगा देंगे, साइन नहीं करेंगे और फिर भेज देंगे। तो फिर वो अगली जो पर्सन है, जो अगले डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, वो उसको देखेंगे, फिर वो अपने रिप्लाई उस तरीके से चलता है। मतलब इसमें साइन वगैरह नहीं किए जाते हैं, केवल ये थर्ड पर्सन के द्वारा लिखा जाता है और आपस में बातचीत है इसके थ्रू की जाती है। तो ये होता है यहाँ पे नॉट वेरबल। तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, बीए न्यूज़ में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को लेके। देखो अभी मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2018 है वो पब्लिश किया गया है। सबसे पहला फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। यह पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी और ऑक्सफर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। अब एक बात यह है कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, यानी कि मल्टी डायमेंशन का मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखो इसमें बहुत सारे डायमेंशन को इंक्लूड किया जाता है, मेनली तीन पैरामीटर होते हैं, एक होता है हेल्थ, एक होता है एजुकेशन, और एक होता है लिविंग स्टैंडर्ड। फिर इनको और अंदर डिवाइड किया जाएगा, जैसे हेल्थ है उसमें न्यूट्रिशन हुआ, चाइल्ड जो मोर्टेलिटी के रेट कैसे है उसके बेसिस पे, एजुकेशन में स्कूलिंग कितनी साल की है, स्कूल में अटेंडेंस कैसी रही है, फिर लिविंग स्टैंडर्ड में जैसे कि कुकिंग फ्यूल उनको कैसा मिल रहा है, कच्चा खाना मतलब कि जैसे कि उपले वगैरह से खाना बना रहे हैं या फिर गैस वगैरह से, या फिर ड्रिंकिंग वाटर कैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं है, या फिर फ्लोरिंग है या नहीं है, इसके साथ ही एसेट्स उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं है। तो इन सारे काफ़ी सारे पैरामीटर के आधार पर मल्टी डायमेंशन पोवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। मेनली तीन पैरामीटर है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है, पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। इसमें जो इस बार इंडिया की स्कोर रहा है वो रहा है 0.121, ये रहा है इस बार इंडिया का मल्टी डायमेंशन पोवर्टी इंडेक्स। इसमें देखो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इंडिया में 2005-06 की कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो 2015-16 के बीच का जो टाइम पीरियड नहीं, तो 10 साल थे, 5-6 से लेके 2015-16 के बीच में इंडिया में जो गरीबी थी वो 55% से घट के 28% तक आ गई है। मतलब इंडिया में 2005-06 के टाइम पे 55% जनसंख्या गरीब थी, और अभी बात करें 15-16 के टाइम पीरियड में तो वो है लगभग 28%। ये इसका मेन मोटा मोटा सार है। अब बाकी और इसके फैक्ट भी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसके कुछ और जो फैक्ट है वो देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ हैं, तो वो देखो यहाँ पे हैं इंडिया में। इंडिया में लगभग 364 मिलियन जो पर्सन है वो गरीब हैं। इसके बाद में नाइजीरिया है, इसके बाद में इथोपिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। क्योंकि देखो इंडिया की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में गरीब हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो एशिया अफ्रीका वाले बेल्ट में हैं। तो ये कुछ फैक्ट हमें देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा गरीब है वो कहाँ पर हैं। अब देखते हैं और इसके कुछ फैक्ट इंडिया को लेकर। देखो ये जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है ना, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो गरीब कम्युनिटी हैं, वो शेड्यूल ट्राइब्ड वाली हैं और मुस्लिम कम्युनिटी हैं। जबकि जो इम्प्रूवमेंट की हम बात करें 2005-06 से 2015-16 के टाइम पीरियड में, सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो भी इन्हीं ट्राइब में मिला है, बट अभी भी इनमें पोवर्टी इंडेक्स है, अब जो पोवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 साल में इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बट फिर भी अभी हाईएस्ट लेवल पे पोवर्टी इनमें है। और अगर हम बात करें इंडिया के सबसे पोरेस्ट स्टेट की 2015-16 की, तो वो है बिहार। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे बिहार की, तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या है वो गरीबी से नीचे है या गरीबी में जीवन यापन कर रही है। इसके साथ ही लास्ट जो गरीब स्टेट है सबसे ज़्यादा बिहार है, फिर दूसरे नंबर पर झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। इसके साथ ही 100, ये तो उस फैक्ट ध्यान नहीं है, 196 मिलियन, ये तो उस रटने लायक चीज़ नहीं है। ये ध्यान रखना कि झारखंड है उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। झारखंड में शेड्यूल ट्राइब काफ़ी ज़्यादा हैं, बट उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, इसलिए उनकी रैंकिंग थोड़ी बहुत ठीक रही है पिछले साल की कंपेरिजन में। तो ये कुछ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को लेकर डाटा है वो किए गए हैं यहाँ पे जारी। इन पर यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ सकती है। बाकी तो देखो ये दिया गया कि अरब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 60 मिलियन गरीब हैं, तो ये तो देखो इतना हमें रटने की ज़रूरत है वो नहीं, बट हमें ये पता होना कि सबसे ज़्यादा जो गरीब जनसंख्या है वो कहाँ पे है, वो है साउथ एशिया वाले बेल्ट में है। तो ये फैक्ट यहाँ पे बन जाता है, साउथ एशिया बात करें अफ्रीका वाले में, वैसे सबसे ज़्यादा ऑल ओवर बात करें तो अफ्रीका में ही है कर, बट साउथ एशिया में अगर बात की जाए अकेले एशिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।